जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया अनदर व्लॉग में। मैं हूं आपका भाई वकार हुसैन और जानकी अमान चाहता हूं आज का जो व्लॉग है, एक्चुअली मेरा और फ्रेंड्स का आज प्लान है कि आउटिंग करते हैं और हम जहां पे जा रहे हैं वहां पे बड़े ही दिलकश नज़ारे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि अभी बता दिया तो भंग में जंग पड़ जाएगा, खुद से बना दिया। तो खैर फिर चलते हैं और आज का दिन एंजॉय करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ रहें। ओके गाइस, ये हम रास्ते में रुके हैं। आज की जो हमारी आउटिंग है वो है फिशिंग, आज हम मछली मारेंगे और देखते हैं नसीब में कितनी मछलियाँ हम पकड़ पाते हैं, और जो हम मछली पकड़ेंगे उसके बाद हम खुद उसे फ्राई करेंगे। तो पिछली बार हमने मछली खरीद के फिर खुद से फ्राई की थी, लेकिन इस बार जो हम खुद से पकड़ेंगे और खुद से फ्राई करेंगे। ये अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में रुके हैं और अभी मेरे ख्याल में कुछ वो जिससे मछली पकड़ी जाती है ना, तो वो अभी हम वो ढूंढने जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। हमारे साथ एक किंग फिशर मौजूद हैं जो मतलब मछली पकड़ते हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है, वही हमें इधर लेके जा रहे हैं। कोई चीज़ है जिससे मछली पकड़ी जाती है, देखते हैं वो क्या चीज़ है, मुझे भी कुछ खास आइडिया नहीं है, अभी चल के पता चलेगा। ये अभी हम खेतों में जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ होगा मछलियों की खुराक, मतलब मछली को लालच देनी होती है ना कि वो आपके पास आए फिर आप उसको पकड़ लो। ये है चारपाई जिसे सरायकी में बोलते हैं माछा, मतलब बड़ी चारपाई, और ये हम अभी अपनी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें वो चीज़ मिलेगी जिससे फिशिंग की जाती है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। चलिए पता करते हैं ये क्या चीज़ है और ये जो किंग फिशर है ये क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं उन्हीं की ज़बानी। हाँ सी, क्या लभेंदे भी हूँ, वो क्या होने ले? सपे सांप पे, हाँ सांप पे गडोए गडोए सर है कि सांप आ दें। प्यारा मंजर है, एक केले खड़े तो केले भी खा सकते हो, लेकिन हाल ये केले दी आई थिंक फसल क्या नहीं, इंसान खाली थे खड़े, आम भी चले गए सर्दियाँ आ गए, तो नहर ही बंद है, वाटर है पानी क्या नहीं, ए मतलब ही को मछली ही को देखते वाला फंस है जापाने वाला पांगो पकड़ इनसो बारबेक्यू है झकरे छुके मछली वाला रहा है। ए सही सारे किंग फिशर हैं, अब दा ना क्या है सही, मुजाहिद सलीम माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड भाई हैं। आवे आप इधर मोटे चाहते अंदर हिम्मत करो। तो भाई अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, ये सिपर है और आगे दरिया शुरू होगा, उस तरफ हम फिशिंग करेंगे। भाई बोल रहे हैं कि इधर मछलियाँ बहुत होती हैं, मतलब एक तरह से मछलियों की यहाँ पे शादी चल रही होती है, इधर बड़ी तादाद में मिलती हैं। और अभी भाई को जो है वो मूत्र विसर्जन आ गया था, वो अभी थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, अभी उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे फिर आगे चलेंगे। और ये है खोसा बलोच होटल की चाय, बड़ी ज़बरदस्त है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे चाय पीने आते हैं माशाल्लाह से। Thank you.
मछली मिलती है। ये वो जगह है जहाँ पे हम फिशिंग करेंगे। और दूसरी तरफ भी पानी है और हम सोच रहे हैं कि उधर जाए, क्योंकि इस तरफ हवा ज़्यादा है, यहाँ पे शोर में मछली ना डिस्टर्ब होती है, भाग जाती है, तो वहाँ पे सुकून है, हवा कम है, तो हम उधर को जा रहे हैं और वहाँ पे हम फिशिंग करेंगे। ओके गाइस, भाई तैयारी कर रहे हैं मछली पकड़ने की। क्या बने पियो सही? कुंडी, एक कुंडी बने पियो सही, इनके नाल मछली को ना पा पागल बड़े सोते हो लाला चेचा पड़े हमसे वाला पा उनको पकड़ गिन सू ते वाला पा खम सोते चसा जैसू इवें सही। इनका ना क्या है वाला बोल गया? कुंडी, कुंडी बने पैसे, कुंडी कांडे, कुंडी क्या ले सो आप? ये लेंदे पैसे सर, आप बड़े गोश्त की कलेजी लगा रहे हैं। इन्हें चाप कलेजी थोड़ी लेंदे पियूं। होसन जी भी इंसान थी फितरत है ना, इंसान लालची होते, मेरे को लगता है मछली में लालची है, वो खावण से ते आप वाला उनको पकड़ गिन सु। पकड़ गिन हर जानदार कहीं ना कहीं तरह ने लालची। हाँ, लालच बुरी बला है, इन समझा देना, लालच ना कीती। चलो लालच करे से अपना कुछ कर सके। इन्हें चाप अपना फायदा है, लालच चंगी चीज़ है, सही अपने वास्ते चंगी चीज़ है। इन्हें फिलहाल अपने वास्ते ठीक है। हाँ सी, तुम कितने मछलियाँ पकड़ के देने वे? ए भाई, दो मछलियाँ पकड़ के देने, डेढ़ घंटे से भाई दो मछलियाँ पकड़ चुके हैं। सही सही अपना नसीब अपने अजमेन दू, देखो चौके मछलियाँ पकड़े दू। ओ बच्चा, सी दो मछलियाँ पकड़ी बैठे माशाल्लाह। वाला साड़ी जनता साड़ी वास्ते भी दुआ करो, सारे नसीबे की दो चार पांच मछली आ वने। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह से हाकू आ रे आन मछली पकड़, मछली आवे आवे, बिस्मिल्लाह पकड़ देना, मछली पकड़ो आवे आवे, आराम आराम। ए सोटी दा पान अगला ही साडियो, पहले से रिहान को जो कुंडी। हां मैं बैठेगा पहले, हां देखो सट दियो, देखो देखो कहनी सटड़ा कुंडी सटड़ी है, देखो सटना बेटा ना धमसा ना चाचा लगा, ए ठड्डा ठड्डा पान, ए गहरा डूबवे से ना। तू तो वाला बहुत ही दिखो, थोड़ा में सटेने पे से आज जीतो और थे भाई। जब तक ऐसी कुंडी ऐसा साठे थी ऐसे और इंतजार करे सू के मछली इनको खावण आवे वाला आपा को पकड़ ले। ये वाला सोटी दे नाल लागी ते कहनी बणना, आप सोटी दी बात इथे ही पकड़े बाणे विच कहनी बणना। ओ सही, असा एक मछली पकड़ी दी से, लेकिन ओ वड्डी कहनी, ये तो छोटी, लेकिन पहली संभलता सब मिल गई है माशाल्लाह। तू देखो एको मैं हाथ लेगा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड।
मच्छी तो दिखो चावनी छोड़े छुट्टी दल तले इने जवाले वैसे पत्थर इंच रातें या ये हुई संभाल के देव लावा लावा रेसी समझ के पकड़ दिए से ये था छोटी यो कले जी आप गिर जा दें ले जी ये फटकी तो छोड़नी गई नहीं एरे की था इधर वैसे भी हां ठीक है भाई तो जी दे मरी गई नहीं ये वो साइड में ये तो हवा है जना आप लोह ना वेंदी हो जाए इनको तो भाई ये हम लोगों ने जगह चेंज कर लिया पहले इधर पत्थरों में थे और वहाँ पे हमें संभलता नहीं मिली बस एक दो छोटी मछली पकड़ पाए हैं और अभी हमने जगह चेंज की है और अब हम आए हैं यहाँ पे ग्रासी प्लाट ये बड़ी प्यारी जगह है और यहाँ पे हम अपना कैंप लगा चुके हैं और यहाँ पे अभी थोड़ा सा खाना खाएंगे थक चुके हैं और उसके बाद फिर से कोशिश करेंगे इधर मछली पकड़ने की आप लोग भी दुआ करें कि इस बार हमें 4-5 मछली मिल जाए बड़ी सी ताकि उसको हम फ्राई कर सकें और फिर खाएँ ये आपको व्यू भी दिखा देता हूँ यहाँ का माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह से बहुत प्यारी जगह है बड़ी ठंडी हवा चल रही है और ये हमारी पलटून बैठी है अभी खाने की तैयारी चल रही है आया सही तो हमने पेट पूजा कर ली है और अभी आखिरी कोशिश करते हैं मछली पकड़ने की हमारी जो पलटून है वो कुंडी डाल के बैठ चुकी है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मछली हमारे नसीब में भी आ जाए आप देख सकते हैं ये रिहान भाई बैठे हैं और बाकी लोगों ने उधर कुंडी लगाई हुई है बस आखिरी ट्राई है कुछ हुआ तो ठीक है वरना खाली हाथ ही जाना पड़ेगा दो छोटी सी मछली लेके चले देखते हैं क्या होता है नसीब में क्या है फाइनली पब्लिक अब हमारे घर को वापसी है हम लोगों ने फिशिंग कर ली खाना भी खा लिया बड़ा मज़ा आया कैंपिंग भी की मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पे आके और लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को मछली नहीं मिली हमारी कोशिश थी कि दो चार बड़ी मछलियाँ मिल जाएँ तो सोने पर सुहागा हो जाएगा लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ दो ही मछली मिली हमें छोटी सी और वैसे जो मेरी पलटून है वो अभी भी ट्राई कर रही है अपनी कोशिश कर रही है कि उनको कोई मछली मिल जाए जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पत्थरों में बैठे हैं और कुछ लोग वो उधर खेतों में बैठे हैं कुंडी डाल के देखते हैं वो अगर कुछ लाते हैं तो और मैं तो अभी थक गया हूँ और मैं अभी वापस आ चुका हूँ और उनका वेट कर रहा हूँ कि वो लोग भी आ जाएँ ओके गाइस हाँ सादिक बाबू भला कितने मछलियाँ पकड़े से यार सवेरे दे आई हूँ और दो पकड़े से एक टाइम मैं जाती वाला अच्छा एक कर दे भाई दे अच्छा बस जाती में मिले छोटे छोटे निक क्या मिले थक गयो यार से खत्म थी वाला ले लो वाला यार करे और घर बन जाने दी तैयारी है चलो मेरे को साथ चढ़िया चलो सही ठीक